कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है। कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे, उस समय किनकी जमाई थे ये लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर आरजेडी पर हमला बोला और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा कि तेजस्वी जी ये बताइए कि जब साल 1996 से आपके घर पे लगातार सीबीआई और ईडी आ रही है तो उस वक्त ये किसकी जमाई थी? तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो आप ही बताइए कि जिसे आप भाजपा की जमाई कह रहे हैं, भाजपा का जमाई जिस 3 ब्रांचेस को आप लगातार बता रहे हैं वो उस वक्त किस पार्टी का जमाई था? इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोग ही मर्यादा को बिहार में तोड़ रहे हैं, बिहार सरकार मर्यादा का पालन नहीं बल्कि मर्यादा को लगातार तोड़ रही है और ऐसे में ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पर बैठ के अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें कोई नैतिक हक नहीं है कि वो इस पद पर बने रहे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को लेकर, आरजेडी को लेकर और महागठबंधन की इस नई सरकार को लेकर? आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतिम रविवार को मन की बात, कई प्रेरणा और 2/3 जो नौजवान माँ भारती के संतान हैं उसको एक तरह से अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अपने जो आत्मनिर्भर भारत बनने का माध्यम है वो सारी जानकारी मन की बात में मिलती है। और आज उन्होंने बताया है कि हम अपने स्थानीय व्यवस्था सामग्री से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपनी संस्कृति और अपने वातावरण को हम भारत की एक नई पहचान दे सकते हैं और हमारी स्वास्थ्य परंपरा हमारी विरासत में छुपा है, उस विरासत के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र का कल्चर है वो हमें कई प्रेरणा देता है, आपस में मिलकर एकजुटता के साथ विषम परिस्थिति को भी हम कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सर महागठबंधन का स्वीक हो जा रही है इस पर बिहार? देखिए, ये दुर्भाग्य दुखद पूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न उठा रहे हैं और शब्दों की मर्यादा तोड़कर जिस तरह से अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से बैनर लगा रहे हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बने रहने का जिस संविधान का आप शपथ लेकर आते हैं। कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है। कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे, उस समय किनकी जमाई थी ये लोग? ये सब संस्था पर इस तरह का वातावरण बनाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी वफादारी दिखाई पड़ती है। आज माननीय न्यायालय का ऊपर हम प्रश्न उठा दें, ये संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न उठा दें और इस तरह के विषय, अरे आप सामना करें, आप पवित्र हैं तो कोई डर नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है सदन के अंदर, कहा कि मैं फाइल खोल दूं, मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेचैनी है? कल भी हमने प्रेस मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई थी कौशल विकास केंद्र 7 निश्चय का, आज उस पर क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप ही के द्वारा पत्र जारी हुआ तो भ्रष्टाचार का मामला करनी कथनी एक करना पड़ेगा, लोगों को वरगलाने से काम अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी का भय दिखा करके बातों को उलझा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता है न उसे भय प्रभावित करता है न लोभ प्रभावित करता है, और अगर जो ये भयभीत हैं तो निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है। अब इस पर तो
देश की जनता, बिहार की जनता मालिक है। निर्णय वो करेगी कि राष्ट्र का मान सम्मान स्वाभिमान किसके उस पद पर बैठने से बढ़ता है जो बिहार के अंदर नफरत का वातावरण बना करके, उन्माद पैदा कर करके, भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर करके देश को उसी वातावरण में ले जाना चाहते हैं, या भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है उसके साथ चलना है। ये निर्णय देश के मालिक, देश की जनता करेगी। सर, विपक्ष में आरजेडी थी तो लगातार कह रही थी कि संशोधन होना चाहिए, अब कई बार पत्र भी लिखा था। उनसे जाके पूछिए कि जिस नीति का आप लोग उछल उछल के विरोध कर रहे थे, आज एक बार मिल करके हमारा शराबबंदी का सिर्फ अभियान नहीं चले, पूरी तरह से नशा मुक्ति का अभियान चले। शराबबंदी के कारण उसके विकल्प में कई नशाबंदी का काम शुरू हो चुका है और वो नशाबंदी हमारे नौजवानों को ज़्यादा नुकसान कर देगा। इसलिए पूर्ण नशाबंदी की बात हो और शराबबंदी के नाम पर लोगों की जिंदगी ना जाए, ये जिम्मेवारी भी था।